दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो छोटी मोटी समस्याएं लगी ही रहती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका थायराइड बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत दे सकता है। महिलाओं के शरीर में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि पूरे शरीर में हार्मोन्स को संतुलित करती है। जब ये ग्रंथि कम मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगे तो इस स्थिति को हाइपोथायराइड कहते हैं। वहीं अधिक हार्मोन बनाने पर ये हाइपर थायराइड की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइपोथायराइड के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइड की कंडीशन अगर हो जाती है तो महिला और गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका क्या क्या असर हो सकता है, कैसे आपके शिशु को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ महिलाएं गर्भधारण से पहले ही हाइपोथायराइड का शिकार होती हैं, तो कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायराइड हो जाता है। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये शिशु के मस्तिष्क के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हाइपोथायराइड से ग्रस्त जो महिलाएं होती हैं अपनी डाइट को अगर अच्छे से संतुलित मात्रा में और अच्छी डाइट ले तो इससे थायराइड हार्मोन को संतुलित किया जा सकता है, साथ ही शिशु के सही विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाओं को हाइपोथायराइड की वजह से गर्भ में शिशु के विकास में देरी आ सकती है। पहले हुए कुछ स्टडीज में पाया गया है दोस्तों कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को हाइपोथायराइड गंभीर रूप से ले चुका होता है या इलाज नहीं किया जाता है तो उन महिलाओं के बच्चों का आईक्यू लेवल और मानसिक विकास धीमा होता है। लेकिन अगर हाइपोथायराइड होने पर महिला इसे कंट्रोल कर लेती है तो शिशु पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा दोस्तों हाइपोथायराइड की कंडीशन में गर्भवती महिलाओं को मिसकैरेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं हाइपोथायराइड की कंडीशन में फर्टिलिटी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों नियमित मासिक चक्र के दौरान हर महीने महिला की ओवरी से एक एग रिलीज होता है, लेकिन हाइपोथायराइड से ग्रस्त महिलाओं की ओवरी में हर महीने एग रिलीज नहीं हो पाते हैं। ये फर्टिलाइज एग के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के हाइपोथायराइड का इलाज टाइम पे ना कराया गया तो बच्चे की डिलीवरी 9 महीने से पहले भी हो सकती है, यानी कि निर्धारित समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है जिसमें बच्चे का वजन कम और मानसिक अक्षमता हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन हो जाती है दोस्तों अगर गर्भवती महिलाओं को हाइपोथायराइड हो जाता है। ऐसी कंडीशन ना बने तो इससे पहले ही आपको क्या करना है, जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो उससे पहले ही अपना हाइपोथायराइड कंट्रोल कर लें। अपने थायराइड को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।